हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं दाल चा राइस कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ दी ये रेसिपी बहुत हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए। फर्स्ट हमें लगेगा कद्दू। कद्दू को अच्छे तरह से छील के उसको वॉश करके कट कर लेना है और कुकर में डाल देना है। फिर हमें लगेगा टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लेना है। टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही लेना, टेस्ट के लिए अच्छा होता है। फिर हमें मसूर की दाल लगेगी। मसूर की दाल भी अच्छे से वॉश करके हमें कुकर में डाल देना है। फिर मूंग की दाल। मूंग की दाल मसूर की दाल से थोड़ा सा कम ही लेना है, वॉश करके कुकर में डाल देना है। फिर उसमें हम तेज पत्ता और सब खड़ा मसाला है ना वो डाल देंगे। फिर हल्दी। फिर हमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, और फिर हमें इसमें लाल मिर्च डालनी है। जितना जितना आपको लगेगी ना उतना डाल देना है इसमें लाल मिर्च। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने इसमें 4 ग्लास पानी ऐड किया है, और उसके बाद उसको प्रॉपर हिला देना है और ढक्कन लगा के गैस पे रख देना है। इसको हम 4 या 5 सीटी लगाएंगे, ज़्यादा मत लगाओ नहीं तो ये जल जाएगी दाल। फिर उसको हम निकाल के अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे दाल को। फिर तब तक हम आपको इस तड़के के लिए क्या क्या लगेगा वो बता देंगे। पहले तो हमें प्याज, फिर लहसुन का पेस्ट, राई और जीरा और धनिया पत्ता और इमली है उसको हम पानी में भिगो के रख दिया है। फिर हमें ऑयल गरम करने के लिए रखा है, उसमें राई फिर जीरा डाल देना है। फिर उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, उसको थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें इसमें ऑनियन डालना है, ऑनियन को भी अच्छी तरह से ब्राउन होने देना है। फिर उसमें हम दाल ऐड करेंगे। दाल ऐड करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से हिला देना है दाल को भी अच्छी तरह से, और ऊपर से हमें धनिया पत्ता ऐड करना है। और थोड़ी उबाल आने के बाद उसमें हम जो इमली का पानी डाला था ना वो इमली वाला पेस्ट इसमें डाल देना है, और 2-3 मिनट तक रख देना है। फिर बाद में गैस बंद करके ढक के रख देना है। तब तक हम आपको अभी चावल की रेसिपी बताएंगे। पहले तो हमें कुकर में ऑयल लगेगा, उसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, फिर खड़ा मसाला और इलायची डालना है। इलायची से फ्लेवर अच्छा आता है। फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर उसमें हम ऐड डालेंगे जीरा। जीरा थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। फिर मटर, मटर ये ऑप्शनल है, डालना है तो डालो वरना नहीं। फिर हमें राइस अच्छे से वॉश करके उसमें डाल देना है और प्रॉपर तरीके से हिला देना है। फिर उसमें हम धनिया पत्ता डाल के जितना हमें वाटर लगेगा उतना डाल देना है। फिर उसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर उसको हम मिक्स कर देना है और ऊपर से हमें ढक देंगे, और इसको हम सिर्फ 2 ही सिटी लगाना है, ज़्यादा नहीं। फाइनली हमारी राइस और दाल दोनों बन गए। कैसे बनाया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी बनाओ, हेल्दी खाओ और हेल्दी